क्या घटना हुई थी आपकी बहन के साथ और अभी तक क्या कार्रवाई पुलिस ने की है? हमारे घटना भाई सिस्टर है, 8 तारीख को गायब हुई थी नेशनल हॉस्पिटल से, जबकि 10 दिन बाद नेशनल वालों ने जानकारी दी कि आपकी बहन नहीं आ रही है। हम लोगों ने रिश्तेदारी में जानकारी की, नहीं कुछ पता चला। 1 तारीख को थाने में तहरीर दी हम लोगों ने, जिसमें 3 तारीख को गुमशुदगी का मुकदमा लिखा और 3 महीने तक ऐसे ही चलता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी माँ जाती थी थाने, उनको भगा दिया जाता था कि अगर आप बार बार यहाँ आएंगी तो आपके पति को आपके बेटे को भी बंद कर देंगे, और अगर आपकी बेटी जीवित होती तो मिल जाती अब तक। तो कोई जानकारी नहीं हुई, हालांकि इनको लाश जो है 2.5 महीने पहले मिल गई थी। ढूंढते ढूंढते इनको इतना समय हो गया, और जिसके खिलाफ हम लोगों ने सबसे पहले मुकदमा लिखवाया था, जो इस मामले में शामिल है, उसको पुलिस नहीं उठा रही है बिल्कुल, उसको पूरी तरीके से बचा रही है। किन लोगों ने हत्या की आपकी सिस्टर की? इसमें हत्या में एक मनोज है, मनोज के साथ एक उनका साथी है और एक रामेन तिवारी है। मनोज क्या करता है? मनोज पुलिस विभाग में है, इसलिए उसका मनोज से कैसे संपर्क में आई आपकी बहन? मनोज से संपर्क में इनसे इनका सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ होगा तो कभी हॉस्पिटल ले गए होंगे उसको, उसके संपर्क से ये जुड़ गई थी। उससे बातचीत होती थी, अलग रहती थी, रूम पे आता जाता था, सब कुछ था। किरायेदारों ने बताया भी, उन लोगों ने देखा भी कि इसके साथ गई है, फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। किरायेदार कई भी हैं कि सर ये लेके गया है, अगर आप इसको पकड़ लेंगे तो आपकी बिटिया मिल जाएगी। आखिरकार मनोज ने क्यों तुम्हारी बहन की हत्या की है, ये क्या कारण रहा जो? यही कारण तो हम लोग जानना चाहते हैं। रात को पुलिस वालों ने उन लोगों को उठाया और सुबह उन लोगों को भेज दिया, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। क्या शादी वाली बात आ रही थी सामने, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाह रहे थे? ऐसी कोई जानकारी नहीं हम लोगों को। अच्छा, वर्तमान में मनोज कहाँ तैनात? वर्तमान में इसकी भी कोई जानकारी नहीं हम लोगों को। पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट है? मैं बिल्कुल कार्रवाई संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस रामेन तिवारी के खिलाफ मुकदमा हुआ है, पहली बात तो रामेन तिवारी उठाया जाए, दूसरी बात हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए कि जितने भी मुलजिम हैं, हमारी एक सिस्टर थी गई है तो फांसी के फंदे तक तो जाना ही जाना चाहिए। और सिस्टर के साथ हमारी सिस्टर जो है हमारे घर का पूरा जेवर रखती थी अपने साथ, कैश वगैरह रखती थी, सब कुछ रखती थी, तो उस कुछ भी बरामद नहीं हुआ हम लोगों को। ठीक है। थाना बारा पे एक 366 IPC का मुकदमा पेश किया गया था, जो कि मुकदमा आजाद में था। पुलिस के द्वारा काम करके जो हमारी सर्विलांस की टीम थी और थाना बर्रा की जो टीम थी, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से काम किया गया। इस पे काम करने के बाद में आज इस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि ये जो मृतका है और एक व्यक्ति है जिसका नाम मनोज है और उसका सहयोगी जो है राहुल है, दोनों ने मिलकर मृतका का जो गला दबाकर जो 8 फरवरी 2024 को गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद में शव को छुपाने के एहतियात से इन्होंने मृतका को यहाँ से टेटा जनपद ले गए, जहाँ पे थाना जैसा लगता है, वहाँ पे जो सूखा कुआं था वहाँ पे इन्होंने डाल दिया। डालने के बाद में ये लोग फिर वहाँ से आ गए और उसके बाद में 18 फरवरी को वहाँ पे जो डेड बॉडी थी सूखे कुएं से बरामद हुई थी, जो वहाँ की लोकल पुलिस ने उसका जो पंचनामा करके स्नान करने का प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ पर स्नान करने पर उसके बाद में वहाँ पर उसकी जो भी प्रक्रिया होती है पंचनामा करके पीएम की कार्रवाई कर दी गई थी, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो गई थी जिसके चलते कॉज ऑफ डेथ वहाँ पे सर्टन नहीं हो पाया था। विसरा को प्रिजर्व कर लिया गया था, अभी विसरा अवेटेड है। जो हमारी टीम थी इसमें जब ये मुकदमा पंजीकृत हुआ उसके बाद में हम लोगों ने जो टेक्निकली इसको जो एनालाइज किया, जो फिजिकल इनपुट थे सभी को हमने तस्दीक किया। तस्दीक करने के बाद में ये चीज़ें जो प्रकाश में है, जिसमें जो एक बी पार्टी है जो राहुल है जिसको हम लोगों ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा घटनाक्रम को बताया गया किस इस तरीके से घटनाक्रम है। जो घटनाक्रम जो अभियुक्त राहुल है उसके द्वारा जो बताया गया और जो हमारी टेक्निकल चीज़ें थी और हमारे पास जो इनपुट थी वो चीज़ें जो है कोरेबोरेट हो रही थी। उसके बाद में जो इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है मनोज, उसे भी पुलिस के द्वारा जो है हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई। उसके द्वारा भी घटनाक्रम को तो पहले मना किया गया, बाद में जब हमने उससे पूछताछ करी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से डिटेल्स हैं, उसके साथियों से भी हमने अकेले में पूछताछ करी थी, फिर जब तो सब दोनों को आमने सामने किया गया, टेक्निकली सबको जब लिया गया, फिर उसने भी अपनी घटना में संलिप्तता और पूरे घटनाक्रम को जो है उसने बताया।